हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा और आज हम 5 जनवरी 2020 को होने वाली MD-MS नीट PG 2020 एग्जाम के बारे में जानेंगे। एग्जामिनेशन डे की स्केड्यूल क्या रहने वाली है, कितने बजे आपको एंट्री मिलेगी, कितने बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, कितने बजे आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और कितने बजे आपका एग्जाम ओवर होगा, इन स्केड्यूल्स के अलावा हम साथ में ये भी जानेंगे कि क्या क्या वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने साथ कैरी करना है जिसके वजह से आपको एंट्री दी जाएगी एग्जामिनेशन हॉल में। उसके अलावा क्या 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 ड्रेसिंग सेंस आपको फॉलो करना है एग्जामिनेशन डे के लिए और क्या क्या चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी एग्जामिनेशन हॉल में लेकर के नहीं जाना है, अदरवाइज कुछ एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जामिनेशन स्केड्यूल की बात करें, 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक के बीच में आपको एंट्री दी जाएगी। 1:30 बजे से एंट्री स्टार्ट की जाएगी एग्जामिनेशन हॉल में और 3 बजे के बाद किसी भी स्टूडेंट को एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में 3 बजे से पहले पहले ही पहुंचना है, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। आपका एग्जाम 3:30 बजे से स्टार्ट होगा और ओवर होगा 7 बजे, मतलब एग्जामिनेशन की जो टाइमिंग है वो 3:30 बजे से 7 बजे तक की रखी गई है, जिसमें 3:30 बजे से एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे और 7 बजे एग्जामिनेशन ओवर होगा। इसके बाद बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है। सबसे पहले आपको आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना अनिवार्य है, जरूरी है, मैंडेटरी है। और जिन वैसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक अपना अगर अभी तक अपना एडमिट कार्ड उन्होंने डाउनलोड नहीं किया है तो आई वुड सजेस्ट कि जल्द से जल्द वो अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के बाद जो पासपोर्ट साइज फोटो है राइट साइड में उसे एफिक्स करनी है, तो जो लेटेस्ट रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होगी उस फोटो को आप वहां पर एफिक्स करें। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट ये हो गए कि आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, क्योंकि एडमिट कार्ड ही आपका एज एन एंट्री पास वहां पे वर्क करेगा। अदरवाइज अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं हुआ तो यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इन टू द एग्जामिनेशन हॉल। इसके अलावा जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो है आपकी आईडी प्रूफ। चेक, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करोगे तो चेकिंग प्रोसेस चलेगी। उस चेकिंग प्रोसेस के दौरान ये चेक किया जाएगा कि क्या कैंडिडेट जो एग्जाम देने आए हैं वो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया वो सेम कैंडिडेट हैं या नहीं है। उसके लिए वो आपका आईडी कार्ड चेक करेंगे। तो आईडी कार्ड आपको अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लेकर के जाना है। आईडी कार्ड में जैसा मुझे लगता है आपको पता होगा, आईडी कार्ड में आप अपना आधार कार्ड लेकर के जा सकते हैं, आप अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर के जा सकते हैं, आप अपना पासपोर्ट लेकर के जा सकते हैं, आप अपना डीएल लेकर के जा सकते हैं। तो ये कुछ ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड हैं जो कि आपको लेकर के जाना है। इनमें से कोई एक भी आप लेकर के जाएंगे बट वो ओरिजिनल होनी चाहिए वहां पे, क्योंकि वो ओरिजिनल आईडी कार्ड ही आपसे पूछेंगे आपको चेक करने के लिए। तो आपको एक ओरिजिनल आईडी कार्ड लेकर के जाना है। और एक बात ध्यान रखें, यदि अगर आप ई आधार कार्ड दिखाने वाले हैं तो ई आधार कार्ड का आपका कलर प्रिंट आउट होना जरूरी है। अगर आप ई आधार कार्ड दिखाना चाहते हैं तो ई आधार कार्ड का कलर प्रिंट आउट आपको लेकर के जाना है, जिसमें आपका आधार कार्ड नंबर मेंशन हुआ होना चाहिए। तो ये ई आधार कार्ड की बात होगी। और इसके अलावा जो एक और डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है वो है आपका SMC या MCI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट भी मैंडेटरी है, आपको ये डॉक्यूमेंट भी लेकर के एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। तो ये 3 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, पहला एडमिट कार्ड, दूसरा आईडी कार्ड और तीसरा SMC या MCI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये 3 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है। इसके बाद अगर हम ड्रेसिंग सेंस की बात करें कि क्या ड्रेस कोड आपको फॉलो करना है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मल्स फॉलो करने हैं। नॉर्मल से सिंपल से जो फॉर्मल्स होते हैं वही पहन करके जाना है। कुछ भी ऐसा कल्चरल ड्रेस जो होती है उसे फॉलो नहीं करना है। साथ में आपको सैंडल्स या स्लीपर्स पहन करके जाना है, आपको शूज पहनकर बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जिन्होंने भी ये सोचा है कि शूज पहन के चले जाएंगे उनके लिए ये बात है कि आपको शूज फॉलो नहीं करना है, अपना नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस कोड फॉलो करना है, उसके साथ आपको सैंडल्स और स्लीपर्स में जाना है। तो ये चीज है और शूज आपको पहनकर नहीं जाना है। क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें बिल्कुल भी लेकर के एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाना है। तो इसमें अगर देखें तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट आपके पास नहीं मिलने चाहिए, जैसे कि आपका कैलकुलेटर हो गया, कैलकुलेटर आपको नहीं लेकर के जाना है, मोबाइल फोन्स आपको नहीं लेकर के जाना है। आई वुड सजेस्ट कि आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, जो भी मैंडेटरी आइटम्स है जो एक इंसान के पास आजकल
रहते हैं, जैसे मोबाइल हो गया या फिर लैपटॉप हो गया, वो चीज़ें आपको घर पे ही छोड़ करके जाना है, उसे लेकर के एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाना है। और साथ साथ में कैलकुलेटर भी आपको अपने साथ कैरी नहीं करनी है। इसके अलावा किसी भी तरह का पेपर एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले आप अपने पॉकेट्स को, अपने पर्सेस को अच्छे से चेक कर लें। पर्स भी लेकर के वैसे तो नहीं जाना है, पर अगर आप किसी के साथ जा रहे हैं तो आप पर्स उन्हें हैंड ओवर कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि किसी तरीके का वाइट पेपर भी इवन आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में नहीं मिलना चाहिए, अदरवाइज कुछ एक्शंस लिया जा सकता है। तो ऐसे कोई भी आपको पेपर्स लेकर के नहीं जाने, किसी भी तरह का एक्सेसरीज आपको पहनकर नहीं जाना है एक्सेप्ट सिंपल वॉच। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स वॉचेस पहन के जाते हैं, डिजिटल वॉचेस पहन के जाते हैं, तो वो वॉचेस आपको पहन के नहीं जाना है, आपको सिंपल वॉचेस पहन के जाना है। और अदर एक्सेसरीज जैसे ब्रेसलेट्स वगैरह होती हैं, तो वो ब्रेसलेट्स भी आपको नहीं पहनकर जाना है। तो ये चीजें हैं जो आपको नहीं पहनकर जाना है, नहीं लेकर के जाना है एग्जामिनेशन हॉल में। तो फ्रेंड्स, ये एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन थी एग्जामिनेशन डे के लिए, जो 5 जनवरी 2020 को एग्जाम होने वाली है, नीट पीजी 2020 की एग्जाम। उसके लिए ड्रेस कोड हमने देखा, एग्जामिनेशन स्केड्यूल देखा हमने, हमने देखा कि क्या क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है, उसके साथ साथ क्या क्या चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं लेकर के जानी है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें जब आप एग्जामिनेशन हॉल के लिए जाएं। तो एक पर्सनल इंस्ट्रक्शन है कि क्योंकि 3 बजे के बाद किसी को भी अलाउ नहीं किया जा सकता है, तो ट्रैफिक वगैरह से बचने के लिए, ट्रैफिक में हो सकता है ऐसे एग्जामिनेशन डे के दिन काफी ट्रैफिक होती है, जैसे बड़े बड़े जो सिटीज हैं, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ या बेंगलोर हुए, इन सब सिटीज में काफी ट्रैफिक मिल सकती है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो बड़े बड़े सिटीज में हैं, तो इन ट्रैफिक से बचने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा पहले निकलो, जिससे कि टाइम पे, ऑन टाइम पे आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच सको, किसी भी तरीके की उसमें कमी ना आ सके, जिसकी वजह से वो आपको एंट्री ना दें। तो ये एक पर्सनल सजेशन था, इंस्ट्रक्शन था करियर मीडिया की तरफ से, इन बातों का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट पीजी 2020 एग्जाम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।